सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज ईशानी रॉक. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज ईशानी रॉक रॉक्स रॉक. सो हमने ये केबिल लिया. इसको क्या बोलते हैं? पार्टी पॉपर. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज ईशानी रॉक. सो टुडे इज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दीपिका बर्थडे सेलिब्रेशन, बिकॉज आज है दीपिका बर्थडे. एंड सो हम लोग अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज एक दिन पहले मम्मी की एनिवर्सरी होती है, फिर बीच में एक दिन का गैप होता है और उसके बाद उसका बर्थडे आ जाता है. तो थोड़ा सा होता है कि लाइक कैसे प्लानिंग करनी कैसे नहीं करनी, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है. और ऊपर से अभी ही मैं बस अभी आप अप्रॉक्स बज रहे हैं 6 बज रहे हैं ना. हाँ, तो 6 बज रहे हैं अभी और मैं अभी 5:30 बजे ऑफिस से आई हूँ. तो ऑफिस से आई हूँ, ये शायद से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत न्यू होगा कि ऑफिस से. सो यस, आई एम वर्किंग गर्ल ऑल्सो. तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि दीपू का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे. वैसे उसका थोड़ा सा मूड खराब है. ख़राब इसलिए क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ, बट मुझे मिल ही नहीं रही थी यार. और मतलब थोड़ा सा वर्कलोड था तो मैं नहीं ले सकती थी ऐसे छुट्टी ना. फिर मैंने कोशिश करी, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी आ गई और 5 बजे मैं ऑफिस से निकल गई थी. तो आते आते मैं 5:30 हो गए घर पर. उसका मूड थोड़ा अपसेट था, तो आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ ऐसा सेलिब्रेशन उसके लिए करूँ जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए. तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब बहुत लंबी बातचीत हो गई, पर मुझे आपको बताना था एक्चुअली में, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अगर व्लॉग शूट किया है तो मैंने स्टार्टिंग से सुबह से मॉर्निंग से क्यों नहीं दिखाया. मॉर्निंग से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ऑफिस भी तो जाना था ना. तो बस, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं दीपी की फ्रेंड के साथ, तानी के साथ. मैं जा रही हूँ उसके लिए केक लेने और उसके लिए गिफ्ट लेने, और वो मैं लेने जा रही हूँ. तो बने रहना वीडियो में. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड प्लीज़ 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 गाइस, दीपू का बर्थडे है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल देना. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. दीपू की ड्रेस जो मैं लेकर आई हूँ, तो ये ड्रेस ही वेयर करने वाली है, इसको प्रेस कर रही है. तो बहुत प्यारी लगी इस ड्रेस में, तो आप इसको देखना रेडी होने के बाद. A few moments later. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन बाजार में. तो अभी हम लोग शॉप ढूंढ रहे हैं तानी के साथ. तो अभी हम लोग शॉप ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं बहुत, क्योंकि मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला यार. ऑफिस था, सब चीज़ें थी, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी सिस्टर के लिए एक गिटार ले सकती. कुछ ऐसे स्पेशल तो करूँ उसके लिए जिससे उसे हैप्पीनेस मिले. तो बहुत दिनों से मुझे गिटार के लिए बोल रही थी कि दीदी मुझे गिटार दिला दो. तो इसलिए मैं गिटार ढूंढने जा रही हूँ, आई विश मिल जाए. सो गाइज, हमें यहाँ पे शॉप मिल गई है इंस्ट्रूमेंट की, इतना ढूंढने के बाद. तो लेट्स सी. तो ये एक शॉप है, बहुत मुश्किल से मिली है यार. इससे अच्छी अच्छी शॉप भी हैं, मतलब भैया की शॉप भी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ. सो यहाँ पे भैया ने मुझे गिटार दिखाया था जिसका रेट मुझे अप्रॉक्स 5,500 या 6,000 उन्होंने बोला था. और मैं थोड़ा सा उसे चेक वगैरह कर रही थी. वैसे मुझे गिटार के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे गिटार के बारे में नॉलेज है, ताकि वो मुझे हाई रेट ना बोले. तो मैं अगर थोड़ा सा कंसेशन वगैरह मांगूँ उनसे, थोड़ी बार्गेनिंग करूँ, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले. और फिर बाद में, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने उनसे जिग जिग भी करी थी, फिर उन्होंने मुझे वाला सामने वाला गिटार जैसे आप देख पा रहे हो वो ब्लू वाला, वो पहले नहीं दिखाया था. वो थोड़ा इससे ज़्यादा महंगा था, उसमें कुछ होगी अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा इससे बेटर, तो मेरे को वो नहीं दिखाया. तो मैंने बोला कि आपने पहले मुझे वो क्यों नहीं दिखाया, पहले ये क्यों दिखाया, जबकि मैंने आपको आके बोला था कि मुझे अच्छा वाला गिटार दिखाना जो सबसे बेस्ट हो. तो एक्चुअली मैंने बोला था कि मेरी सिस्टर बिगनर है तो उस टाइप का गिटार दिखाना, इसलिए उसने मुझे वो वाला गिटार दिखाया था. और फिर फाइनली हमने ये सिलेक्ट कर लिया था. और फिर ये, इसको पता नहीं क्या बोलता है, आई डोंट नो. और ये मैंने खो भी दी थी, ये मैंने रास्ते में गिरा दी थी. तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी. और हमने पे वगैरह भी कर दिया था भैया को, और दीपू का गिफ्ट ले लिया था. फिर मैंने तानी को बोला चलो बेटा शो करो, दिखाते हैं दीपू का गिफ्ट. तो फाइनली हमने यहाँ पे दीपू का गिफ्ट ले लिया था, और मैं बहुत एक्साइटेड थी घर पहुँचने के लिए.
सो यस गाइस फाइनली मतलब गिटार मिल गया एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. देखो लिया हुआ है तनवी ने. आई मीन तानी नाम है, मैं हमेशा तनवी बोलती हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में एक अच्छी दोस्त है उसका नाम तनवी है, तो मैं इस वजह से हमेशा ऐसे बोलती रहती हूँ तनवी 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 तनवी, बट इसका नाम तानी है. एंड उस भैया से मैंने इतनी बहस करी, पता नहीं तानी ने रिकॉर्ड किया नहीं किया, बट मैंने उससे बहुत बहस करी बट वो नहीं माना यार. वो मुझे बोल रहा था 38 का, मतलब बहुत मुश्किल से मैं सिर्फ मात्र 600 रुपये कम करा सकती हूँ. 38 का नहीं बोला था ना उसने, आई गेस सॉरी 38 तो उसने जब हमें ज़्यादा बताया था अमाउंट तब बोला था 38 ना. बहुत मुश्किलों से कराया यार, बस सिर्फ दीपू के बर्थडे की वजह से वो खुश हो जाए और ये बर्थडे उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरी दीदी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है ऐसा जो कि रिमेम्बरेबल है. तो या गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दीपू के लिए केक लेने. ऐसे निकल गया फिर हम निकल के फिर हम नीचे आए, हमने खाना पीना खाया, फिर हम आरती में देखने चले गए थे क्योंकि आरती बहुत अच्छी. हाँ यार वहाँ की आरती सीरियसली अच्छी होती है, बट मैंने कभी देखी नहीं है. बढ़िया रिपब्लिक डे बना था ना. अच्छा तुम रिपब्लिक डे पे गए थे? बहुत अच्छा दिन था वो और बस अच्छी फीलिंग आ रही थी ऐसा लगा. तो यहाँ पे तानी मुझे बता रही थी कि वो ऋषिकेश गई थी, मतलब लाइक इसके सारे कजन्स और इसके सिस्टर्स वगैरह. तो मैंने बोला यार दैट्स अ गुड थिंग यार, जाने कैसे दिया, मेरे घर वाले तो मुझे कहीं नहीं जाने देते यार. पता नहीं कब वो अच्छा सुनहरा पल मेरी ज़िंदगी में आएगा कि मुझे मेरे घर वाले मतलब दोस्तों के साथ घूमने जाने देंगे. अरे यार फिर भी फैमिली में तो मेरे ना ऐसा है ना कि मैं सिर्फ जा सकती हूँ ना, टू बी ऑनेस्ट अगर जा सकती हूँ तो सिर्फ अपने जीजू के साथ जा सकती हूँ. yes. मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, मम्मी कहीं भी भेज देगी. इवन भैया चला लो जल्दी, तो इवन अगर मुझे और हमें ट्रेन भी नहीं मिली थी आते वक्त, फिर हम बस में बैठ रहे थे सबसे आगे ड्राइवर के पास, फिर ड्राइवर के पास कोने कोने में बैठे हम चारों पाँचों ड्राइवर के पास. ड्राइवर के पास बैठने के तो आपको अच्छा लगता है यार, आदमी थे वो मतलब बहुत बढ़िया अंकल थे. अच्छा पूरे दस से साथ ही गए थे वो. ओके फिर हम सुबह उठ के स्कूल चले गए. वेरी गुड. सो आई विश मैं भी एक ट्रिप करूँ, वो भी मतलब फिर हम पहाड़ फ्रेंड्स के साथ. तो नहीं पहाड़ों में तो यार जो मैगी खाने का मजा है ना, मैगी खाई और ना ऊपर से झरना बह रहा था इतना बढ़िया लग रहा था. और ऊपर ना पानी बहुत तेज हो गया था फिर हम नीचे उतर आए क्योंकि रात होती जाती थी, अंधेरा अंधेरा हो गया था. अच्छा तो चलो चलते हैं हम लोग केक लेने. सो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं बीकानेर, यहाँ पे केक वैरायटी अच्छी है. सो यस आई ओ माय गॉड दिस वन इज नाइस ना, बट वो इतनी भी छोटी नहीं है ना यार. ये केक लग रहा है मुझे तो ब्रिलियंट, 1200 वाला. कौन सा? दिस वन यार बहुत सुंदर लग रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रहा है ना गाइस. ये केक देखो कितना सुंदर है, बट ये फूल रियल वाला बना देते खाने वाला अच्छा लगता, वो अलग से हटाना पड़ेगा. मैंने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे ये वाला केक लिया था अभी, और एक यहाँ पे एक और केक था ग्रीन ग्रीन सा, वो नहीं लिया, ये वाला था बड़ा अच्छा. नहीं लग रहा ना वैसा, ऐसा लग रहा है गंदी से सफेदी करती हूँ ये कैसा लग रहा है ना अकॉर्डिंग. सो हमने ये वाला केक फाइनल किया दीपू के लिए. सो हमने ये केक लिया, इसको क्या बोलते हैं, पार्टी पॉपर वोकर शॉर्ट्स पार्टी वॉकर 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 द मीनिंग ऑफ वॉकर पार्टी वॉकर बोलते हैं. तो इसको मुझे आज पता चल गया मुझे आज तक इसका नाम नहीं पता था. तो अभी बस हमने दीपू के लिए केक लिया है, ये हमारा केक है इसका. ओके A few moments later. तो ये है दीपिका की फ्रेंड तानी, ये है भूमि, और ये है उमंग, वो है शानू सारांश मतलब, और वो है श्वेता आई मीन सिमरन, और ये है बर्थडे गर्ल. सो यहाँ पे मैं दीपू की ड्रेस दिखा रही थी, साउंड मैंने इसलिए बंद किया था क्योंकि कुकू बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों भौंक रहा था, नीचे कोई आ गया था तो इस वजह से.
सो यहाँ पे मैंने साउंड फिर दोबारा से इसलिए बंद किया क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता, क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे घर में, तो मैंने बंद कर दिया साउंड। यहाँ पे केक मैंने ओपन कर रही थी जो मैं केक दीपू के लिए लेकर आई थी, बट फिर बाद में मेरे को पापा ने बोला कि उसकी फ्रेंड भी उसके लिए केक लेकर आई है, तो पहले हम उसकी फ्रेंड वाला केक कट कराएंगे। ऑब्वियसली बात है यार, वो उसके लिए केक लेकर आई तो पहले वो प्रायोरिटी रखता है, वो पहले कट होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा 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 एक्साइटेड थी। केक भी बहुत अच्छा सुंदर सा लिया था ना हमने इसीलिए। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से उसकी फ्रेंड का केक, मतलब भूमि का केक ओपन किया, और यहाँ पे जो बताया था मेरी फ्रेंड मेरे लिए केक गिफ्ट लेके आई है, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग सारे के सारे। और यहाँ पे केक ओपन हुआ एंड यू कैन सी गाइस द ब्यूटीफुल केक, दीपू लिखा हुआ है इसके ऊपर। और फिर हमने जल्दी जल्दी केक कट करने की तैयारियाँ करी। सो व्लॉग में आगे आपको तानी नहीं दिख रही होगी क्योंकि तानी चली गई थी, उसकी मम्मी उसको लेने के लिए आ गई थी और मतलब वो केक कट तक नहीं रुक पाई थी, बट हमने उसे मोमोज वगैरह खिला के भेज दिया था। मतलब सैड फील हो रहा था बट क्या कर सकते हैं ना, रात का टाइम हो गया था। दीपू को मैंने गिफ्ट दिया उसका, मैंने यहाँ पे बोला था कि दिस इज फॉर यू, एंड वो उसके फेस की स्माइल देख के लाइक फीलिंग लाइक, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मेरे को क्या उस टाइम फील हो रहा था। लाइक मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपनी सिस्टर्स के लिए ना हमेशा उनको कुछ भी चाहिए, मैं इतनी एबल होनी चाहिए हूँ कि उनको कुछ भी चाहिए मैं ला के दे सकूँ। तो वो जो फीलिंग थी ना गाइज, आई कैंट एक्सप्लेन, और मैं बहुत 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 हैप्पी फील कर रही थी। मैं गॉड का बहुत थैंक कर रही थी कि बाबा जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं छोटी छोटी खुशी अपनी फैमिली को दे सकती हूँ। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, और आप मेरी वॉइस से भी समझ सकते हैं कि मैं स्टिल जब भी मैंने एडिटिंग करी है तब भी ये मोमेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थी। यहाँ पे पापा जी मुझसे वही जो पिन मैं लेकर आई थी वो मैंने खो दी थी, मिसप्लेस हो गई, उससे मेरी पॉकेट में रखी थी वही मांग रहे थे, तो मुझे गुस्सा कर रहे थे कि खो दी तूने यार। Moments later. ये ढंग से गिटार नहीं बजा रहे। गिटार पे गा रहे हैं, गिटार पे गाया है पूरा गाना।
क्लास फेरी में मस्त था क्लास फेरी में गया देखा मजा आ गया 2000 years later So yes guys, so finally दीपू की पार्टी खत्म हो गई है और मेरा थक के चूरा हो गया है. मतलब लाइक मैं सीरियसली इतना गंदा वाला टायर्ड फील कर रही हूँ. मेरी आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा यार पहले ऑफिस फिर उसके बाद घर आई फिर उसके बाद दीपू के लिए उसका गिफ्ट लेने गई. एज यू कैन सी गाइज आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में आगे कि बड़ी मेहनत लगी थी उसका गिफ्ट ढूंढने में. और मतलब आगे का तो मैंने वीडियो ज़्यादा शूट भी नहीं करी थी तो मैं वैसे मैं बहुत देर से चलते 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 हम लोग ढूंढते ढूंढते तो मेरे माइंड से स्किप हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई थी वो सारी चीज़ें ना. बट येस फाइनली आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मैं जो इसको गिफ्ट देना चाहती थी वो मैं लाइक आज मैंने इसे वो गिफ्ट दे दिया और मुझे बहुत दिन से ये गिफ्ट मांग रही थी. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया. मतलब ये लोग मतलब मेरी फ्रेंड के साथ गई थी दीदी ये गिटार लेने और हुआ ये था कि मतलब मेरे को बोला था कि हम केक लेने जा रहे हैं ये वो और मैं घर में बस रेडी हो रही थी तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो मैं बार बार कॉल कर रही थी कि किधर हो आ जाओ. मेरी एक और फ्रेंड है भूमि वो भी आ गई थी. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड वो भी आ गई थी और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड दीदी के साथ गई थी. तो मैंने कहा भाई बहुत देर हो गई थी इन लोगों को कम से कम एक घंटा हो गया था गए हुए. और फिर मेरी फ्रेंड मैंने बोला तानी को तो भेज दो जल्दी से भेज दो. वो भागती भागती इतनी जोर से और मैंने देखा उसने बैग टांग रखा गिटार का और मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी ना मैं उसे बोल भी नहीं पाई कि तू लेट हो गई कुछ. बस मैं तो देखती रह गई कि यार मुझे पता भी नहीं था सच में. एक होता ना कि थोड़ा सा भी हिंट दिया हो कि मुझे पता चल गया कि मुझे ना हल्का सा ना डाउट हो रहा है कि ये लोग गिटार लेने जा रहे हैं कुछ भी. मेरे मन में कुछ भी नहीं आया ऐसा कि ये लोग गिटार लेने जा रहे हैं कुछ भी ऐसा. और जब मैंने देखा ना सच में मैं ना 10-15 मिनट के लिए मैं चुप हो गई थी एकदम शॉक कि सच में मेरे गिटार आ गया. एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू दीदी. दीदी कितनी धीरे से बोला इसने थैंक यू सो मच दीदी. ऐसे को थैंक यू बोलता है चल दीदी. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग बट गाइज यस 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 आई एम वेरी 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 हैप्पी के सच्ची में. उन्होंने ये लाइन पहले ही बोल दी है दोबारा से कि मैंने सोचा था कि इसका गिटार जब मैं इसके सामने दूंगी ना तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगी. मतलब इसके एक्सप्रेशंस एंड इसका रिएक्शन मैं उसको कैप्चर करूंगी. बट अनफॉर्चुनेटली तानी की मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी उनके बहुत कॉल्स आ रहे थे तो इस वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाई. और मैं सुबह से ऐसे टायर्ड सी शक्ल लेके मतलब लाइक ऑफिस में तो ठीक था बट उसके बाद जब घर आई हूँ मैंने चाय भी नहीं पी है कुछ भी नहीं किया जस्ट बस मैंने थोड़ी सी लिमका पी थी. उसके बाद मैं बोला चलो मम्मी टाइम हो जाएगा 7 बज गए थे और मेरा फेवरेट सीरियल भी आ रहा था वो मैं देख नहीं पाई. तो यस गाइज ये था दीपू का सेलिब्रेशन छोटा सा सेलिब्रेशन और मतलब एक बोलते हैं ना लाइक जल्दी जल्दी वाला सेलिब्रेशन बट मेरे लिए बहुत बड़ा था. इससे अच्छा सेलिब्रेशन मैंने आज मतलब मेरे लिए इससे अच्छा सेलिब्रेशन मेरा जो पिछला बर्थडे जितने भी बर्थडे गए हैं उनसे कंपैरिजन करा जाए तो ये वाला बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इस बर्थडे मुझे गिटार मिल गया एंड मैं बहुत ज्यादा सिंगिंग. सो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना. मतलब कमेंट भी कर देना इसको ब्लेसिंग दे देना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कर देना गाइज. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एंड आई होप के नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आए. देख लिया यार मैं क्यों लेट होती हूँ वीडियोज में क्योंकि आई एम अ वर्किंग गर्ल. वर्किंग के साथ साथ जॉब के साथ साथ मैं आपको एंटरटेन भी करती हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइमली वीडियोस को पोस्ट कर सकूँ बट समटाइम्स नहीं हो पाता है. बट फिर भी आप जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो जितना मुझे प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए थैंक यू सो मच गाइज. सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय टेक केयर स्टे ब्लेस्ड स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट गाइज. लव यू ऑल.